हेलो दोस्तों, आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के एमसीक्यू देखेंगे। फूरियर सीरीज, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इंडिटर्मिनेट फॉर्म के एमसीक्यू ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं, तो आप मेरे चैनल से देख सकते हो। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के एमसीक्यू देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में 10 एमसीक्यू बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियोज़ में और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के एमसीक्यू बताऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई हैज़ कंटिन्यूस पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पार्शियल डेरिवेटिव में हमें कंसेप्ट पता है, डैबा स्क्वायर डैबा एक्स डैबा वाई इज इक्वल्स टू डैबा स्क्वायर यू बाय डैबा वाई डैबा एक्स, ये कंसेप्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। सेकेंड क्वेश्चन, यू दिया है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, हमें डैबा यू बाय डैबा एक्स निकालना है, तो डिफरेंशिएट करते हैं यू को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, तो वाई बाय एक्स को यूजिंग चेन रूल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा वाई कॉन्स्टेंट 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x2। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सेम क्वेश्चन है, सेम यू दिया है, अब हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सो यू को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, तो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/ वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा वाई का डिफरेंशिएशन 1/1 कॉन्स्टेंट, सिमिलरली एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/x, एक एक्स कैंसिल होगा, आंसर होगा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। फोर्थ, यू दिया है लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यू एक्स का है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे डाबा यू बाय डाबा एक्स, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यूजिंग चेन रूल स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज 2x, दिस 2 2 गेट कैंसल, स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट बिकम्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो फोर्थ आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यू दिया है साइन इनवर्स एक्स वाई और हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डैबा यू बाय डैबा एक्स होगा 1/ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है यूजिंग चेन रूल, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा वाई, तो वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू यू कॉस भी दिया है, वाई इज इक्वल्स टू ई रेस टू यू साइन भी दिया है, और हमें डाबा यू बाय डाबा एक्स निकालना है, तो इस केस में हमें क्या करना है, वी हैव टू ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड यू, वी हैव टू एलिमिनेट वी, अगर आप सारे ऑप्शन देखोगे सारे ऑप्शन में एक्स वाई इन्वॉल्व है, ओके, तो अब ऐसे एग्जाम्पल जब भी आता है जहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई इज इक्वल्स टू साइन इन्वॉल्व होता है, तो वी हैव टू स्क्वायर एंड एड बोथ टर्म्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, ई रेस टू यू का स्क्वायर होगा ई रेस टू 2u, दोनों टर्म्स में यू ई रेस टू यू है तो वो कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी, अब इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 होती है, ओके, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई रेस टू 2u, ई यहाँ पे लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा 2u इज इक्वल्स टू
log of x square plus y square. Now differentiate with respect to u. हमें मिलेगा 2 dab u by dab x is equals to differentiation of log 1 upon x square plus y square into using chain rule differentiation of x square plus y square with respect to x 2x. 2 to get cancel. Answer is x upon x square plus y square. So option number A is correct. इस क्वेश्चन में u दिया है log of 2x plus 3y और डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y. सो डाबा u बाय डाबा y मिलेगा. फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ log इट इज 1 अपॉन 2x plus 3y. यूजिंग चेन रूल डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 3. सो हमारा आंसर 3 अपॉन 2x plus 3y है. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. एट्स एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा और हमें डिफ्रेंशिएट करना है r विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज अ कॉन्स्टेंट. ये जो बाहर वेरिएबल लिखा जाता है उसे हमें कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन r x एंड y एंड वी हैव टू एलिमिनेट थीटा. ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया ऐसे जब एग्जाम्पल होते हैं तब आपको स्क्वायर करना है और ऐड करना है. आपको ऐसे मिलेगा आर स्क्वायर और यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला मिलेगा. ओके, तो इसकी वैल्यू आती है 1. अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग y कॉन्स्टेंट. तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2x, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, डैबा r बाय डैबा x ट्रीटिंग y कॉन्स्टेंट. 2 गेट कैंसल x बाय r. तो ऑप्शन नंबर ए. 9th एग्जाम्पल सेम है. यहाँ पे हमें क्या करना है, थीटा को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y कॉन्स्टेंट. मीन्स वी हैव टू ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन थीटा एक्स एंड वाई, वी हैव टू एलिमिनेट आर. इन दिस केस डिवाइड वाई बाय एक्स मीन्स आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा. आर आर गेट कैंसल. दिस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बिकम्स टेन थीटा. शिफ्ट दिस टेन थीटा ऑन दिस साइड, वी गेट थीटा इज इक्वल्स टू tan inverse of y by x. Now we have to differentiate theta with respect to x treating y constant. So differentiation 1 upon y square by x square. Okay, we are differentiating with respect to x. So y is constant. Differentiation of 1 upon x is minus 1 upon x square. Shift this x square on this side. X square goes to numerator, this x square get cancelled. We are remaining with minus y by x square plus y square. Okay, now value of this minus y, y is r sin theta. So, we get minus r sin theta divided by value of this x square plus y square is r square, 1 r get cancelled. So we get minus sin theta upon r. So option number B is correct. 10th one, what is given, y by x. Y is also given, y is equals to x raised to 4. We have to find dabba u by dabba x. Okay, so first u is equals to tan inverse. Y ki value kya diye, x raised to 4 divided by x. 1 x get cancelled. We get u is equals to tan inverse x cube. Now differentiate this with respect to x. We get 1 upon 1 plus x cube its square into derivative of x cube is 3x square. So this is 3x square upon 1 plus x raised to 6. But we have to find value of dabba u by dabba x at x is equals to 1.
put x is equals to 1 in value of dabba by dabba x, that is this value at x is equals to 1, it is 3 upon 1 plus 1, it is 3 upon 2, option number A. बाकी के MCQ नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं.